लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। पियक्कड़ तो पहले भी था लेकिन हार्टलेस नहीं था। ये इंसान जो आपके सामने खड़ा है कस्टम मेड बाय टिप्सी है। अब मैं पियक्कड़ भी हूँ, हार्टलेस भी हूँ, कुछ लोग कहते हैं वुमेनाइजर भी हूँ, लेकिन एक बात और, आई एम फकिंग सक्सेसफुल। आज की तारीख में मुझसे बड़ा स्टार नहीं मिलेगा। आज तो मुझे जानना है 5 साल पहले क्या हुआ, तुमने इसके बारे में कभी जिक्र नहीं किया। कैसे टूटी तुम्हारी शादी? हाँ सब हो गई, हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए। क्या तुमने उसे ढूंढने की कोशिश की, मिलने की कोशिश की? अगर वो एक बार भी मेरे सामने आई ना, मैं उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। एंड यू नो व्हाट, शी फकिंग नोज दिस। हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है उसके बाद तुम्हें कोई हक नहीं बनता। यू हैव नो राइट टू कम बैक। वापस आने से यू आर प्लेइंग विद फायर, डू यू अंडरस्टैंड मी? नो नो, आई एम द वन हु शुड बी सॉरी। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। यू सी, मैंने शायद तुम्हें गलत वाइब्स दी है, दैट्स व्हाई यू थॉट दैट आई एम एन इडियट, राइट? इसलिए तुम बार बार मुझे बेवकूफ बना सकती हो, बट तुम शायद ये नहीं जानती कि मैं सिर्फ एक बार बेवकूफ बन सकता हूँ, नॉट मोर देन दैट। करण ने आज शूट कैंसिल कर दी थी ना, ईडी कॉल है। मैम, नोबडी डेयर्स टू कॉल करण सर, वो आज खुद अपनी मर्जी से आए। गलती हो गई, रियली सॉरी, भूल गई। हाँ यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी। लेकिन मैं नहीं भूला, मुझे याद है अभी तक। Wait and see. 2,500 theaters this Diwali will be sold out. मैं तो कह रहा हूँ 200 करोड़ करेगी business. Okay. तुमने shoot cancel कर दिया था ना? Then you decided to come back. What happened? Such raw emotions? I saw a bit of my past. So you met Tipsy? Yes. मैंने Tipsy को उसकी family के साथ देखा. मेरी जगह कोई और होता तो शायद वो emotional हो जाता. Maybe you would. Even have some sort of a breakdown, you know, midlife crisis, whatever nonsense. But I just felt anger, raw anger. मैंने सोचा क्यों नहीं इस गुस्से को मैं काम पे यूज करूं? इसीलिए मैं शूट पे आ गया। ये सीन जो अभी किया ना, इस सीन को लेकर मैं अटक रहा था। I was just not being able to crack it. इतने सालों बाद भी टिप्सी ने मेरे अंदर ये raw emotions पैदा किए and the scene came out so good. Thank you, Tipsy, for that. इस इमोशन पर अगर मैं रोता तो घाटा मेरा होता। इसको मैंने अपने सीन में लगा दिया। मैंने अपने दर्द और गुस्से को बेचा पैसे कमाने के लिए। Because I'm a smart man, जो मैं 5 साल पहले नहीं था। लाइफ में सक्सेस का क्रैश कोर्स मुझे मेरे फेलियर्स ने दिया। मेरी अगली फिल्म रिलीज होने वाली थी, बिग बजट, बिग बैनर, बिग मिस्टेक। Please relax. Your nervousness is contagious. It's giving me a migraine. यार क्यों, मैं business manager. मेरी पिछली film पता है ना कितनी जबरदस्त flop थी? It wasn't that bad यार. अच्छा सुन, वो Derek आ रहा है ना? तू उसे बिल्कुल entertain नहीं करेगा. अरे कहाँ का critic? Bloody baldy.
जब वो आसमान में भी देखता ना तुमसे। You take it easy. Give me a minute. मैं सबसे मिल लेता हूँ। Hey Karan. Derek. Thank you. Thank you. Thanks for coming. No, Karan. It was a pleasure. Pleasure was all mine. Oh really? So you liked it? तुमने तो अल्कोहल छोड़ दी है ना? But ऐसा क्यों लग रहा था that you were drunk when you signed that movie? I mean, Derek, it wasn't so bad. But you weren't so busy either. जब तुमने मेरे शो पर अपनी अपीयरेंस कैंसिल करी। मेरी पर्सनल लाइफ अच्छी जा रही थी, लेकिन मेरी प्रोफेशनल लाइफ की लग गई थी। दो पिक्चरें जब बैक टू बैक फ्लॉप होती हैं, एक एक्टर का वजूद ही हिल जाता है, चाहे वो मेरे जैसे सुपरस्टार ही क्यों ना हो। लेकिन फिर भी दिल में एक बात का सुकून था कि कम से कम मेरी बीवी साथ थी, मेरी सबसे बड़ी सपोर्ट सिस्टम, मेरी जान। तुम यहां क्या कर रही हो? तुम्हारा तो नाइट शिफ्ट बंक कर दिया। क्यों? क्योंकि आज आप घर से अम्ब्रेला लेकर नहीं निकले थे ना, और बारिश हो रही थी। टिप्सी, I'm feeling so small यार। मैं क्या गलत कर रहा हूँ? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और अगर मैं समझ नहीं पाऊंगा कि मुझसे क्या गलती हो रही है, मेरी हर फिल्म के साथ ऐसा होगा। I just don't know what to do। खन्ना, जब प्रॉब्लम बड़ी हो ना तो उसे छोटे छोटे टुकड़े करके सॉल्व करेंगे। फॉर नाउ जस्ट कम विद मी। अभी तो मैंने सिर्फ नाइट शिफ्ट बंक की है, लेकिन अगर आपको बुखार हो गया ना तो मुझे 7 दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी, जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। चलिए चलो। ये डेकोर थोड़ा सा चेंज करना चाहिए ना, न्यू वॉलपेपर्स, कलर, सोफा। दिस इज माय हाउस। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैं पसंद करता हूँ। मस्ट बी सो टायर्सम फॉर यू ना, द बैड बॉय एवरीबॉडी वांट्स टू टेम। बीन देयर डन दैट। किसी ने मुझे टेम किया था, एंड देन शी स्टैब्ड मी इन द बैक। तुम हमारे रिश्ते को लेकर कभी भी सीरियस नहीं होगे ना? कुछ लोग अकेले ही चलते हैं, शेर भी जंगल में अकेले ही चलता है। आई थिंक मैं भी अकेले ही चलता हूं। ये कमरा किसने खोला? Who the fuck opened this room? चलिए मिस्टर खन्ना, हम लेट हो रहे हैं। हाँ यार, पता नहीं क्यों जा रहे हैं इसके लिए हम। मिस्टर खन्ना, आर्यन आपका इतना अच्छा दोस्त है और उसकी फिल्म की सक्सेस पार्टी है, इसलिए जा रहे हैं। बट मैं फिलहाल अनसक्सेसफुल एक्टर हूँ। तो मेरी पिछली 3 फिल्में फ्लॉप हुई हैं यार। Come on, it's just a party. It's not just a party, it's a success party. उसकी फिल्म 200 करोड़ क्रॉस कर चुकी है यार। एक, हम वहाँ क्यों जा रहे हैं? मुझे नहीं पता क्यों जा रहे हैं यार, उसको विश करने जा रहे हैं। हाँ तो फिर फोकस ऑन हिम ना। Thank you so much for coming. I mean so much. Thank you so much. Thank you so much. What will you have? Sir, huh? Ek photo, sir. Of please. Course, of course, please. Sir, solo chahiye, sir. Huh? Solo, sir. Solo. Sure. Hey, Karan. Just be yourself, comfortable, right? Right. Because you're excited to see me. Mm-hmm. अच्छा decision था मेरा यहाँ आने का। Excuse me?
Meera, it was your decision to come here, right? No. Tumhara decision tha, okay? In fact, agar tumne insist nahi kiya hota, main nahi aata. Thank you. धीरे धीरे आपको रियलाइज हो जाएगा मिस्टर खन्ना कि बीवी हमेशा सही होती है. ऑलरेडी रियलाइज हो चुका है. ओके, मैं जरा जल्दी से उसे थैंक्स कहता हूँ फॉर इनवाइटिंग अस. ठीक है, आई विल जस्ट गेट सम ड्रिंक्स. हाँ. अरे यार सुन. हे करण, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स. 5 मिनट्स एंड आई विल जॉइन यू. थोड़ा बिजी है. प्रोड्यूसर तो क्या, मैं एक्टर भी नहीं बन पाता. कुछ लोग मुझे ऐसे मिले ना इस शहर में, उनकी वजह से. जब ये पहली बार शहर में आया था, एक साल तक मेरे साथ रहा था. सच्ची? आई थिंक ही इज गोना थैंक मी नाउ. आपकी फिल्म रिलीज हुई, आपको कैसा लग रहा है, कैसा एक्सपीरियंस रहा? जी बहुत अच्छा लग रहा है. एक्चुअली इस फिल्म से मैं एक्टर से प्रोड्यूसर बन गया हूँ. आर्यन सर, किसे आपकी इस जर्नी का क्रेडिट देना चाहेंगे? मैं उस इंसान को क्रेडिट देना चाहूंगा जिसकी वजह से मैं यहाँ खड़ा हूँ. वो है बॉब, मेरा ट्रेनर. आई लव यू बॉब. घर चलिए प्लीज. हाँ ऑफ कोर्स, आई जस्ट से बाय. बस 2 मिनट बाय बोल के फिर निकल जाए. 2 मिनट. यार आई थिंक यू आर अ लिटिल बिजी. अरे नहीं यार, वो मंचना नहीं आया. आई रियली वांटेड टू बी पार्ट ऑफ द पार्टी. यार बट आई एम ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ द पार्टी. एक ड्रिंक तो पी ले साथ में. अरे यार तू इतना इनसेंसिटिव क्यों हो रहा है? एक ड्रिंक ही ना यार. मेरी पार्टी है, मुझे सबको हैंडल करना है यार. डोंट वरी अबाउट इट, हम लोग चलते हैं सम अदर टाइम. नहीं नहीं, तू ऐसे कैसे जा सकता है? यू वांट हैव अ ड्रिंक ना? सजाद कम हियर, कम हियर. 2 ऑरेंज जूस लेके आ. ओके सर. तूने ड्रिंक करना बंद कर दिया ना? हां. दोस आर द टाइम्स यू रिमेंबर. सर आपका लास्ट बाइट बचा हुआ है, प्लीज एक लास्ट बाइट. नहीं बाइट लोगे आप यार. सर सर एक लास्ट बाइट उस लोकेशन. इट्स ओके, दे दे. अचानक सब कुछ बदल गया. वो रोल जो आर्यन खान से लेकर इंडस्ट्री का हर बड़ा स्टार अपने लिए चाहता था, हिरानी ने वो मुझे ऑफर किया. अरे बस 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 यार, मेरे कान फट जाएंगे. हार्ट अटैक देने का इरादा है क्या मुझे? I'm so happy for you, Mr. Khanna. I'm so proud of you. Yes, yes, yes. Yes, I'm back in the game. Of course you are. मैं कहती थी ना आपसे कि आप इतना नेगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, मेरी बात सुनिए. ये आपकी जो बैड ईगो है ना, इसको साइड में रख के सिर्फ अपनी बीवी की बात सुनेंगे तो आप. बस यार, मैं घर आऊंगा तब डांट लो ना मुझे. अभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ यार. रिलैक्स, यू रन आउट ऑफ स्टीम. मैं घर आता हूँ, फिर हम लोग बात करते हैं. ओके शिव, शिव,
काम डाउन करन। डोंट टेल मी व्हाट टू डू। ये कमरा किसने खोला? अभी लॉक करो इस कमरे को। ये कमरा कभी नहीं खुलेगा, समझ गए? करन, आप बिल्कुल मुझे कंसल्ट कर सकती हैं। मैं समझ सकता हूं कि फिल्म इंडस्ट्री को हिला देगी। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। बड़ा केस छोटा केस मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मुझे मेरे क्लाइंट को जिताना है, वो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो आप बाय ऑल मीन्स उसे मेरा नंबर दे दीजिए। हाँ, मैं वेट करूंगा उसके कॉल का। हाय। हाय। शिफ्टिंग में ना मेरी वॉशिंग मशीन ही डैमेज हो गई है। एक नया सर दर्द हो गया। आई थॉट मैं सारे कपड़े ला के यहाँ तुम्हारी वॉशिंग मशीन में धो लो। टिप्सी, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि तुम वॉशिंग मशीन में लस्सी बना रही हो। हाँ, वेरी फनी। व्हाट्स रॉन्ग विद यू वेद? शर्टलेस क्यों घूम रहे हो तुम? हाँ, शर्ट्स नहीं है तुम्हारे पास? हाँ। पहले काफी नहीं था क्या? बैंगलोर में सब लोग इतना हमारे बारे में बातें करते थे, अब प्लीज यहाँ ये सब नहीं होना चाहिए वेद। आई कैन नॉट अफोर्ड दिस। किसी क्या फर्क पड़ता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं और क्या बातें करते हैं? हम जानते हैं ना हमारी रिलेशनशिप क्या है। हमारी दोस्ती इतनी प्योर है कि किसी को कुछ एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं। बैंगलोर में भी तुम मेरे लिए खाना लाती थी और मैं तुम्हें रोज ऑफिस ड्रॉप करता था ना। मुझे एक अच्छी फैमिली लाइफ चाहिए थी जो मुझे मिल गई, क्योंकि तुमने मुझे पिया जैसी डॉटर दी थी। तुम दोनों मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। टिप्सी, तुम अभी कपड़े धोना और वॉशिंग मशीन छोड़ो, जाओ जल्दी से तैयार हो, शॉपिंग करने चलते हैं। क्या पिया गाए? वो रेडी हुई या नहीं? हाँ वो तो रेडी है, लेकिन तुम ऐसे चलोगे क्या? अरे मैं भी तब तक रेडी हो जाऊंगा ना, आइडिया वही है। डोंट वरी, कपड़े पहन के मिलूंगा। अंडरस्टैंड, ये बैंगलोर नहीं है, दिस इज मुंबई यार। अरे तो क्या फर्क पड़ता है, वही बात। पिया, अगली बार अगर आपने होमवर्क टाइम पे फिनिश नहीं किया ना, नो आउटिंग। मम्मा प्लीज, क्रिसमस टाइम में तो सबको फन गिफ्ट कर देते हैं ना। मम्मा, आप सांता क्लॉस में बिलीव करते हो? पिया, सिट डाउन, क्वाइटली सिट डाउन। पिया को पता है तुम्हारी शादी सांता क्लॉस से हुई थी? कुछ नहीं, म्यूजिक सुन रही है। देखो सुन लेगी और एक बात की हजार बातें बनाकर स्कूल में सबको जाके बता दे। वैसे भी इतनी फिल्मी है, हर बात को चार अलग अलग तरीके से बताती, नौ अलग अलग इमोशंस के साथ। वही तो बोल रहा हूँ, ये ट्रेट्स आए कहाँ से? पिया को ये ड्रामा कहीं तुमसे तो विरासत में नहीं मिला? इतने बड़े शहर में क्या चांसेस हैं कि मिस्टर खन्ना और तुम दोनों एक ही मॉल में एक ही जगह एक ही दिन प्रेजेंट हो? डोंट बी सो पैरानॉइड। चलो बाहर आ जाओ। किसको शॉपिंग करनी है? आओ। What the hell is all this? इन्हें बच्चे कहते हैं। ये हमारे स्पॉन्सर्स का टिकेटेड इवेंट है। यहाँ बच्चे जिंगल बेल गाएंगे और जो भी अच्छा गाएगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये बच्चे, these little bloody devils are going to sing jingle bells. Who approved this? दिव्या कहाँ है? I want to fire her. One second, she's with the sponsors. और अगर किसी को fire कराना है तो वो मैं, because I'm the producer of the film. So I request Mr. Karan Khanna to please come on the stage. I'm gonna kill you. Let's go. हाँ, आपके केस की बात हुई है मुझसे, लेकिन मैं अभी आपसे बात नहीं कर पाऊंगा, सो सॉरी। आप प्लीज मैसेज कर दीजिए। थैंक यू। यस कैसे पहुंचे? मतलब I mean, how did you get on the top? At the top? बहुत मेहनत के साथ, with a lot of hard work. No, I was asking, how did you get on the top of the stage? मुझे भी वहां आना है।
This was not part of the deal. Picking her up and getting her here. I agree. आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ. Oh God. Okay. हाँ. Yeah, ये लो. Now you're on the stage. अब क्या? Selfie. Selfie. Okay. तो आपका अब कैमरा कहाँ है? ये आपका कैमरा है? मेरी मामा मुझे फोन नहीं रखने देती। आपके फोन से टिकट प्लीज। ओके।